मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेस पर। आज हम क्लास 10th के बिहार बोर्ड में पूछे गए साइंस के 2012 के कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव सोलो करेंगे। 2012 के कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में हुए साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोलो करेंगे। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम फीतों को साफ क्यों किया जाता है? तो ये जानते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है। कितना नंबर का है? 2 नंबर का क्वेश्चन है। जब हम लोग सब्जेक्टिव को सोल्व करेंगे उस समय इसको देख लेंगे। एक एक नंबर वाला क्वेश्चन को हल करते हैं। दूसरा नंबर भी संतुलित करने का है, तो उसमें हम लोग बोर्ड पर संतुलित करके देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7। अगर अम्लीय कहेगा तो 7 से कम, अम्लीय कहेगा तो 7 से कम, 7 से कुछ होगा कम। क्षारीय कहेगा तो 7 से अधिक, 7 से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर, मेनलिफ्ट ने अपनी आवार सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? ये भी जो है 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो हम लोग उस समय सोल्व कर लेंगे। पांचवा नंबर भी 2 नंबर क्वेश्चन है। छठा नंबर भी हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? 2 नंबर का क्वेश्चन है। सातवां नंबर भी 2 नंबर का है। आयोडीन की कमी से आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग की सलाह क्यों दी जाती है? आठवां नंबर, डीएनए की प्रकृति बनना जनन के लिए आवश्यक है क्यों? ये भी 2 नंबर का है। परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है? ये भी देखिए 2 नंबर का है। दसवां में आइए, उस दर्पण का नाम बताइए जो बीम का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। यानी बीम का सीधा रहना चाहिए और आवर्धित, आवर्धित का मतलब बड़ा रहना होता है, आवर्धित का मतलब बड़ा होता है। तो कौन हो जाता है? अवतल दर्पण। कौन हो जाएगा? अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। कौन दर्पण रहता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है बड़ा बनता है। कैसा बनता है? बड़ा बनता है, सीधा बनता है। कैसा बनता है? बड़ा बनता है और सीधा बनता है। बड़ा और कैसा बनता है? सीधा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग कार्य करता है? तो उत्तल लेंस। कौन लेंस कार्य करता है? उत्तल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका कार्य करता है? उत्तल लेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। प्रतिरोधकता का मतलब वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, या खाली प्रतिरोधकता का मतलब वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। ओम मीटर। ओम मीटर। ओम मीटर। ओम को दर्शाते हैं ऐसे, ओम हो जाएगा मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल के बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा को हम लोग 1 यूनिट भी कहते हैं। 1 यूनिट भी कहते हैं। 1 किलोवाट को क्या बोलते हैं? 1 यूनिट। 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट कितना बराबर होता है? तो 3.6 × 10^6 जूल के बराबर होता है। 10^6 जूल के बराबर होता है। 3.6 × 10^6 जूल के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, प्रकाश की चाल के पदों में अपवर्तनांक का परिभाषा दें। ये भी देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, अपवर्तनांक का परिभाषा दें। तो निर्वात में प्रकाश की चाल, सॉरी, हाँ, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या बोलते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। अपवर्तनांक को दर्शाते हैं किससे? म्यू से। म्यू से, म्यू रहता है सी बटे एन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, वन संरक्षण के एक कारागार उपाय बताइए। तो वनों को नहीं काटना, वनों को लगाना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इधर देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग हल कर लेंगे उस समय।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रुप बी, ग्रुप बी में किसमें, ग्रुप बी में जिसमें 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, कर हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो हीलियम का होता है 2, परमाणु संख्या कितना, 2। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे कितना है, 2। कितना है, खाली 2। इसका बाहरी कक्षा में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमोनिया अणु के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या का अनुपात क्या है। तो नाइट्रोजन का सूत्र क्या होता है, अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3। तो एन का मतलब कई गो, तो एक गो, और हाइड्रोजन का मतलब कई गो, 3 गो। तो हो गया 1:3, 1:3। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, कार्बन क्या है, तो अधातु है। कार्बन क्या है, अधातु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। CHO क्रियाशील मूलक क्या है, तो एल्डिहाइड है। क्या है, एल्डिहाइड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। N2 अणु नाइट्रोजन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजन बंधन बनते हैं। तो जैसे ही पूछा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना, तो 7। और सब होता होने चाहता किसके जैसा, निष्क्रिय गैस के जैसा। तो किसके निकट है, तो हीलियम के नज़दीक, हीलियम के नज़दीक है। हीलियम निष्क्रिय गैस के जैसा वरना होना चाहेगा ही, तो इसके जैसा होने के लिए कई गो चाहिए इसको, तो इसके पास 7 गो है। इसका होता है 10 गो, तो इसको कई गो होना चाहिए, और 3 गो। तो कई बंधन बनाएगा, 3 बंधन। मतलब जिसके निकटतम होना चाहेगा उसके लिए जाने के लिए जितना ज़रूरत पड़ेगा इलेक्ट्रॉन का उतना बंधन बनाएगा। तो नाइट्रोजन का बंधन बनाएगा 3 बंधन, क्या बंधन, 3 बंधन, क्या बंधन, 3 बंधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेंजीन का अणुसूत्र C6H6। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ता एवं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कौन सा गैस बनता है। तो हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो जल के लिए, जल संवहन के लिए, पादप किसके लिए, जल संवहन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, तो सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, तो इनमें सभी, तो इनमें से सभी, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर, निम्नलिखित में कौन मादा जनन अंग तंत्र का भाग नहीं है। तो शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका जो मादा जनन अंग नहीं बल्कि पुरुष जनन अंग, नर जनन अंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पराग कोष में होते हैं, तो पराग कण, पराग कोष में क्या होता है, पराग कण होता है। आगे बढ़ते हैं। मोलस्का किस समुदाय, घोंघा किस समुदाय का प्राणी है। तो मोलस्का, मोलस्का, घोंघा किस समुदाय का, मोलस्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अड़हुल किस प्रकार का फूल है, तो द्विलिंगी, द्विलिंगी, अड़हुल जो है कैसा है, द्विलिंगी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम हैं, तो 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम, 2 नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। तो निर्गत कोण क्या कहेंगे, निर्गत कोण, कौन कौन, निर्गत कोण। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4वां नंबर, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो 1 मीटर फोकस वाला उत्तल लेंस की क्षमता पूछ रहा है, तो पी पूछ रहा है, P/F, P/F होता है। और जो होता है 1 मीटर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/1 डायप्टर, मतलब 1 डायप्टर, क्या डायप्टर, 1 डायप्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 वोल्ट विभवांतर के अधीन 2 बिंदुओं के बीच 24 कूलम आवेश पार करता है, कितना जूल कार्य करेगा, कितना जूल कार्य करेगा। तो हो जाएगा 24 जूल, कितना हो जाएगा, 24 जूल कार्य करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 ओम 20 ओम 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं। तो श्रेणी क्रम में रहता है, दोनों क्या करते हैं, ऐसे सीधा सीधी जोड़ देते हैं। श्रेणी क्रम में कहेगा तो समतुल्य प्रतिरोध आर बराबर हो जाएगा R1 + R2। R1 का मान 10 और प्लस कितना, 20, तो बराबर कितना आएगा, 30। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 वाट 220 वोल्ट के बल्ब से विद्युत बल्ब का प्रतिरोध, मैंने विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या है। तो वी बराबर पी बराबर क्या होता है, वी आई। पी बराबर क्या होता है, वी आई। वी पी बराबर क्या होता है, वी आई। चलिए पी बराबर वी आई, तो यहाँ पी का मान दे ले कितना, 100। अब ही का मान कितना दिले, 220। अब गुने आई, आई तो नहीं दिया, तो आई निकाल ले रहे हैं पहले।
अगर इन्हें चलाना चला है तो पी ब्रो जानते होता है, पी ब्रो और फार्मूला होता है वी स्क्वायर बटे आर। वी स्क्वायर बटे क्या होता है? आर। वी स्क्वायर बटे आर, तो पी का मान कितना है? 100, और आर का मान कितना है? 220। तो 220 गुने 220, 220 गुने 220 बटे कितना? आर। इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में, मतलब 100 गुने हो जाएगा, इधर आएगा तो हो जाएगा आर बराबर ऐसे 1 शून्य से 1 दो शून्य से कट जाएगा, इधर देखिए तो इधर से 1 शून्य 1 शून्य कट गया, मतलब बचेगा क्या? इधर इधर बचेगा 22 गुने 22, तो आर बराबर 22 गुने 22 कितना? 484, 484 ओम, 484 ओम। चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल मापक, सौर जल उष्मक का उपयोग किस दिन नहीं करना चाहिए? तो बादलों वाले दिन में, बादलों वाले दिन में नहीं करना चाहिए, बादलों वाले दिन में नहीं करना चाहिए। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।